माधुरी और जूही की फिल्म गुलाब गैंग पर भारी पड़ गया है रियल लाइफ का गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग फिल्म रिलीज से एन पहले दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में जा पहुंचा। उनकी शिकायत सुनने के बाद हाई कोर्ट ने गुलाब गैंग की रिलीज पर 8 मई तक के लिए रोक लगा दी है। मामला बिना इजाजत फिल्म में गुलाबी गैंग की कहानी को यूज करने का है। Similar to my organization and to me, which I started in 2006. Now what happened, if this movie was to be released, then it would have caused harm to my reputation. गुलाब गैंग इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज अटक गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा को चिट्ठी लिखकर गुलाबी गैंग की मुखिया संपत पाल ने अपना विरोध जताया था, लेकिन जब उन्हें इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। काफी बार पूछने पर भी संपत पाल ने जूम को ये नहीं बताया कि उन्होंने चिट्ठी में अनुभव सिन्हा को क्या लिखा था। देखिए, अनुभव सिन्हा मुझसे कभी बात नहीं की, न मुझको कभी चिट्ठी उन्होंने लिखा। सुनिए, मुझसे कभी नहीं बात किया। नहीं, ये वकील साहब से पूछे, मुझसे मत पूछिए, आपको इंटरव्यू बिल्कुल नहीं दूंगी, ठीक है। माधुरी और जूही दोनों ही इस फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से जुटी थी, लेकिन अब गुलाब गैंग की इन दोनों एक्ट्रेसेस पर जिस तरह गुलाबी गैंग भारी पड़ा है, उससे फिल्म को नुकसान होगा या फिर फायदा, ये फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।